हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। और भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और आपको याद होगा कि कल रात को जो जबरदस्त किस्म के मैचेस हुए, भाई मुंबई इंडियंस के फैंस तो इस वक्त जिसका हाल मैं बता सकता हूँ कि वो कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे और हिसाब किताब कर रहे होंगे कि कोई एक तरीका मिल जाए कि मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अफसोस की बात है, मुंबई इंडियंस जीत तो गई है लेकिन उनका दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ आरसीबी के फैंस पहली दफा आरसीबी की हार पे इतना दुखी नहीं होंगे जितना विराट कोहली की 50 के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे होंगे, क्योंकि एज अ आरसीबीएन फैन मैं भी बड़ा खुश हूं कि विराट कोहली ने 50 रन स्कोर कर दिए। बेशक स्लो थे लेकिन भाई जो भी हो, कोहली के बल्ले से आए हैं, रन्स की तो वैल्यू बनती है और जितने अरसे बाद आए हैं तो उसकी तो डिमांड और ही अलग लेवल पे चली जाती है। तो बात करेंगे जरा क्रिकेट की, उससे पहले बात कर लेते हैं भाई इंग्लैंड के अंदर दो मुल्कों के दो स्पेशल बल्लेबाज एक साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 की ससेक्स की टीम से, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज, और इंडिया के पुजारा जिसको कहते हैं, इंडिया की टेस्ट टीम की बैकबोन जिसको कहा जाता है चितेश्वर पुजारा, वो और रिजवान की पार्टनरशिप लगी 154 रन की, जिसके अंदर पुजारा ने 204 रन की इनिंग्स खेली जो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डबल सेंचुरी थी। अगर इस डबल सेंचुरी को तारीफ ना की जाए तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिन कंडीशन के ऊपर पुजारा खेल रहा है उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, बड़े अरसे बाद जाके डबल सेंचुरी स्कोर की है, वहां पे एशियन बैटर ने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। हालांकि अभी पिछले दिनों शान मसूद ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, डबल सेंचुरी मारी, लेकिन इंडिया के लिए पुजारा ने बड़े अरसे बाद जिसको कह सकते हैं रन्स किए हैं काउंटी के अंदर। तो वैसे तो इंडिया वाले खेलते नहीं है वहां जाके, पुजारा बड़े ही जिसको कह सकते हैं अरसे बाद जाके काउंटी खेल रहे थे और बड़ी ही जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव साइन नजर आया। हालांकि अगर आप जानते हो तो इंडिया और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच रहता है, उस टेस्ट मैच को लिए अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं पुजारा की परफॉर्मेंस थी, और ये बड़ी ही जिसको कह सकते हैं क्रूशल साबित होगी इंडिया के लिए। बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की, मोहम्मद रिजवान ने पुजारा का साथ देते हुए 79 रन बनाए, दोनों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, पुजारा के 206 रन की इनिंग्स को जिसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई किस्म का रेट किया जा रहा है और बड़ी ही स्पेशल किस्म की इनिंग्स उसकी लगी है। तो मजा आया दोनों पाकिस्तानी और इंडियन बल्लेबाजों को एक साथ खेलते हुए देखते हुए, बड़ा ही मजा आया। हालांकि अगर देखा जाए तो काउंटी के जो मैच होते हैं वो सिर्फ फ्रंट कैम और बैक कैम से दिखाए जाते हैं, तो उनके लिहाज से भी बड़ा ही मजा आया। तो ओवरऑल बात करेंगे तो अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ देखें तो आईपीएल के अंदर भाई आरसीबी का मुकाबला था गुजरात टाइटन्स के साथ, और गुजरात टाइटन्स ने आरसीबी को एक और दफा जैसे कह सकते हैं हरा दिया आरसीबी। अब आरसीबी के हालात ये आ गए कि उनको मैच लाजमी जीतना है वरना उनका मुश्किल हो जाएगा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना। दूसरी तरफ जो एक पॉजिटिव साइन है आरसीबी के लिए वो ये है कि विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई है। विराट कोहली ने रन्स बनाए, 50 रन्स स्कोर किए, चौके भी बड़े जबरदस्त मारे, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इसको कह सकते हैं वो मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सके, जहां पे उनको तेज खेलना था वहां पे आके वो आउट हो गए। लेकिन उनके रन्स जो थे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आने वाले मैचेस में, कोहली का कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया। दूसरी तरफ बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, भाई रोहित शर्मा का बल्ला तो जिसको कहते हैं चलने का नाम ही नहीं ले रहा, आज भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन मुंबई इंडियंस को भाई एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, टिम डेविड को इतनी लेट क्यों लेकर आए हो यार? टिम डेविड को पहले आपको खिलाना चाहिए था, बड़ा बड़ा बल्लेबाज है, आपने पुलाड़ को चांस दिया, डेविड को चांस नहीं दिया। अगर आप टिम डेविड को पहले भी चांसेस देते वो अच्छा प्लेयर साबित होता, क्योंकि हमने उसको देखा है डोमेस्टिक लेवल के अंदर, वो दूसरी लीग के अंदर काफी अच्छा बने हुए हारे हुए मैच जितवा देता होता है। आज खेला था तो उसने मैच भी विन करवा दिया, हालांकि मैच सीधा था सूर्य कुमार यादव की जबरदस्त किस्म के 50 रन उसने स्कोर किए, तिलक वर्मा भी अच्छा बल्लेबाज मिल गया मुंबई इंडियंस को, लेकिन एंड पे आके टिम डेविड ने रन्स बनाए तो मजा आया देखने का, और डेनियल सैम की मदद से मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली जीत, इस सीजन की पहली जीत अपने नाम कर ली। बहुत बहुत मुबारक हो रोहित शर्मा 11 को, मुंबई इंडियंस को। मुंबई बहुत बड़ा ब्रांड है, मुंबई ऐसे हारती है ना तो आईपीएल की कैसे ब्रांड वैल्यू कम होती है, लेकिन मुंबई जीती है, मुंबई जीतेगी अपने सारे मैचेस। हालांकि प्ले ऑफ के लिए तो मुश्किल है, लेकिन अपनी जो कहते हैं ना इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलेगी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूसरी टीमों का नुकसान करेगी, जैसे कि अब राजस्थान के लिए वक्त पड़ गए। मुंबई जीती है इसका आरसीबी को फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान जो थी नंबर 2 पे थी, अब राजस्थान को भी वक्त पड़ेगा कि उनको मैच हार गए हैं और आरसीबी तो ऑलरेडी हारी है, अगर आरसीबी अपने सारे मैचेस जीतते तो आरसीबी का चांस हो जाएगा टॉप 2 में जाने का, अगर राजस्थान अपने दूसरे मैचेस हारती है तो। ये भी बड़ा जैसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट से देखा जाए तो बड़ा क्रूशियल है। अभी देखा जाए तो आईपीएल का पॉइंट्स टेबल देखा जाए तो
यहाँ पे बड़ा जैसे कैसे तीसरी चौथी पोजीशन की बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है। पहली पोजीशन पे तो गुजरात टाइटंस चली जाएगी आराम से जो नजर आ रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स का भी चांस ऐसा लग रहा है कि वो भी दूसरी पोजीशन पे जा सकती है अगर राजस्थान अगर हार जाए यहाँ से। लेकिन देखा जाए तो चौथी पोजीशन पे बड़े सारे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। RCB होगी, दिल्ली होगी, पंजाब KKR के पास भी चांस है और सनराइजर के पास भी बहुत जबरदस्त किस्म का चांस है। तो बड़ी बड़ी जंग है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चार टीमें जो क्वालिफाई करेंगी IPL के अंदर, तो मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतेगी। ईद आने वाली है कुछ ही दिनों के बाद, कम से कम मेरा ख्याल है एक दिन ही रहेगा ईद के अंदर। अगर आज चांद रात हो जाती है तो कल ईद होगी, और अगर आज चांद रात नहीं होती तो परसों ईद होगी। तो भाई मेरी तरफ से आप सबको एडवांस हैप्पी ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें और सबको मैं खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आते होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।